संस्कृत तो ज्ञान विज्ञागार प्रथितर तस्मादेव आधुनिक विज्ञान विज्ञानपुर बहुधा परीक्ष्यते संस्कृत अभी जानस आधुनिकसायन विज्ञान स्रोतरूप कि स्रोता एनमें विषय सविस्तर व्याख्यापय अमेरिकीय विश्वव्याल विज्ञानी कार्यरत अस्मदीय अद्यतन त्रृज्यातिथि प्रोफेसर बलराम सिंह महोदय संस्कृत ज्ञान विज्ञावत तो निश्च्रचम परम सांप्रतम आधुनिक विज्ञापेक्ष संस्कृताश्रित विज्ञान कथमिविभ्य जनेभ्य समुदर प्रदसचुसीट्स विश्वव्यालय प्रतिष्ठिताचार्य भारतीय विदोन्मुख रसायन शस्त्रैज्ञाक प्रोफेसर बलराम सिंह व्यक्तिवराजते सौभाग्यादस्कक्षम वर्तते उपस्थित तादृश वैज्ञानिक य संस्कृत प्रति तथा दत्तावधवोक्य महोदय स्वागत अस्त वार्ताव्या नमस्कार मम प्रथम प्रश्न वर्त है ये भाव त्र अमेरिकी विश्वविद्यालय विज्ञान विषय से आचार्य तथा संस्कृत कथम दत्चेता भाई देखिए हम आ, वैसे तो केमिस्ट्री के आदमी हैं लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैसीच्यूसीट्स में हम वहाँ पे एक अध्ययन केंद्र शुरू किए थे भारतीय अध्ययन केंद्र उसका मैं फ़ाउंडिंग डायरेक्टर हुआ और तब मुझे ये वो समय तक तो मुझे सिर्फ विज्ञान के बारे में चीज़ें मालूम थीं लेकिन चूँकि मैं उसका फाउंडिंग डायरेक्टर था इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं किस तरह से इसके साथ आ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि इस्कालरली भी जुड़ूँ तो उस समय मुझे मैंने कई लोगों से बात की कि इस ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि हम विज्ञान से जोड़ सकते हैं भारतीय परंपराओं को तो उन्होंने हमको बैसेसिका का ये हाँ बताया कि बैसेसिका आप अगर पढ़ें तो उसमें केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे बड़ा ही आनंद आया और तब से उस उससे में उसमें मैंने कई चीज़ें ढूंढी भी और कई हमारे जो सवाल थे विज्ञान के एक जो मैं जिस टॉपिक पे काम करता हूँ वो है बाचुलानम न्यूरोटॉक्सिन सारी संसार का सबसे बड़ा टॉक्सिक मटेरियल होता है लेकिन वो दवा भी है बोटॉक्स का भी नाम सुना होगा तो उसका जो गुण होता है और कर्म जो है एक ही चीज़ के दो चीज़ें होती हैं और उसको बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कि ऐसा क्यों तो इसका इसका जो हमको जवाब मिला वो बेसिसिक फिलॉसफी मिला तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया इसमें संस्कृते विज्ञान प्रसृतम वर्त इति सतत श्रूयते अस्मा परम तत् प्रच्छं अथवा सांकेक वी कथन वर्त थ विदुषा ताचा ये ईदृश वचन शुवा तत्र भवाद वैज्ञानिक किम तत्र चिंतयंती देखिए संस्कृत में दो तरह की चीज़ें हैं कि एक तो संस्कृत में ज्ञान है जैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी है कुछ लोग तो खैर मानते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ पुष्पक विमान था ये सब वो उसका तो हमें नहीं ज्ञान है कि था कि नहीं था हालांकि उस पर बात हो सकती है लेकिन ये कि जो मेटलर्जी है इसकी टेक्नोलॉजी है जो आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी है जो भस्म की टेक्नोरी मेरा एक स्टूडेंट इस पर पी भी उसने किया भस्म पे आयुर्वेदिक भस्म पे तो ये सारे ज्ञान ऑलरेडी हैं उसमें उनको सिर्फ पढ़ के उसको समझना है और उसका आधुनिकरण करना है दूसरा जो है कि संस्कृत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वयं ही वैज्ञानिक हैं संस्कृत भाषा ही वैज्ञानिक है और जब जब कोई भाषा ही वैज्ञानिक है उससे विज्ञान का समन्वय बहुत अच्छे से बन सकता है भवान रसायनशास्त्र मर्मज्ञ अभी विशेषतः मूलतः अभी तरी रसायन यधुनिकसायनशास्त्र तो प्राचीन भारतीय रसायनशास्त्रम अनुकरोति उपकरोति वा रसायन शास्त्र में भारत में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी पुराने जमाने में और संस्कृत के लिटरेचर से देखने से ये पता लगता है एक तो जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसका विवरण है और जो आयुर्वेद की वजह से उस समय की जो टेकन, मेटलर्जी टेक्नो मैटर की टेक्नोलॉजी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा थी जो हमारी आधुनिक केमिस्ट्री है उसमें ये नहीं है उसमें बायो और मटीरियल और वनस्पति इसको मिला के वो इस तरह से करते थे और उसका ज्ञान कैसे आता था इसके लिए एक और भाषा बात हो सकती है अब हम सोचते हैं कि वैज्ञान बै, बै वैज्ञानिक लोग साथ में मिलके संस्कृत के आचार्यों से बैठ के और उस भाव से कनेक्ट एक दूसरे का आदर करके कि विज्ञान भी ठीक है संस्कृत भी ठीक है और हम उस दोनों को मिला के आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मुझे लगता है कि तो रसायन शास्त्र जो है ये इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाएगा अंत्यवत ज्ञात ज्ञातुम इच्छा में यद भगवान वर्तते संस्कृतम प्रति दत्तमस्क मूलतः वैज्ञानिक तरी विज्ञान अध्यात्मो मध्ये विशेष कश्तन संबंध वर्तते वा हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है वो हम इस चीज़ों को अलग मानते ही नहीं हैं इसीलिए जैसे वनस्पति को जोड़ के अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो क्योंकि उन दोनों का विकास साथ में हुआ है इसलिए समन्वय इसमें ज़्यादा बना रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की परंपराओं में अगर इसको देखा जाए तो जहाँ तक अध्यात्म और विज्ञान की बात है उसमें कोई फर्क होगा ही नहीं लेकिन विज्ञान ऐसी कोई चीज़ नहीं करता है जो कि रेशनैलिटी के बाहर हो और जो भारत की की जो परंपरा अध्यात्म की है उसमें सारी रेशनैलिटी है भारत में उपनिषद सिर्फ़ सवाल जवाब होते हैं जैसे हम आप सवाल जवाब कर रहे हैं गीता जो है सवाल जवाब होते हैं अध्यात्म को विज्ञान के साथ बड़े ही आसानी से और बहुत ही सुलभ भाव से हमको लगता है कि जोड़ा जा सकता है और इसमें दोनों का ही होगा जैसे भारत एक बात और बताएं भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना एक इसके संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान और किसी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है मतलब ये एक बड़ा यूनिक अनोखा जगह है इसका मतलब है हमको सबको एक वैज्ञानिक के रूप में ही रहना चाहिए और उसमें कोई हमको नहीं लगता कोई विषमता आएगी और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म को मिला के संस्कृत के जरिए उसका पूरी तरह से गहन अध्ययन करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ संस्कृत संस्कृतमय विज्ञानम अत्र उपस्थापय बहुत धन्यवाद भवत्कृते। नमस्कार धन्यवाद